हरियाणा सरकार ने प्लाटों की और मकानों की, जिन मकानों के नक्शे पास नहीं है उसका डेवलपमेंट चार्जिंग शुरू किया है, जो कि पब्लिक आईडी बनाने के लिए डेढ़ महीने से धक्के खा रहे हैं। कई ऐसे केस हैं जिनको 3 महीने भी हो चुके हैं। लोग डेवलपमेंट चार्ज भरने के लिए तैयार है, इंडस्ट्री एरिया से भी डेवलपमेंट चार्ज। अच्छा, फिर भी कमेटी का 6 कर्मचारी अफसर जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने आईडी बनानी होती है, लेकिन जिस दिन भी आए कभी एमई साहब, ईओ साहब नहीं होते, कभी बजाज साहब नहीं होते। तब तक एक कर्मचारी अधिकारी नहीं मिलेगा आईडी नहीं बनती। तो हम सारे फतेहाबाद वासी इस बात से परेशान हैं। हमने प्लाट बेचे हैं, पैसों की जरूरत के लिए। आज अगर आईडी नहीं बनती हमारे से और वो पैसे नहीं मिलते क्योंकि हमारी रजिस्ट्री नहीं होती, हम परेशान हैं। कोई सुनने वाला अफसर नहीं है भाई किससे मिले। डीसी साहब से मिले हैं, हमने डीसी साहब को भी ये कहा था कि अगर ये बंद नहीं हो सकता पहले तो ये आईडी बंद की जाए। अगर आईडी बंद नहीं हो सकती तो एक टेबल पर बैठकर हमारी आईडी बनाई जाए, लोग धक्के ना खाएं, शहरवासी धक्के ना खाएं और प्रॉपर्टी डीलर भी धक्के ना खाएं। तो क्या कार्रवाई की गई है? हमने कार्रवाई तो यही है, अगर आपकी इस बात पे कोई गौर नहीं होती डीसी साहब के हम धरना देंगे सभी शहरवासी। और है ना, ये आईडी बंद करें, नहीं अगर ये बनती तो बंद कर दें। तो नगर परिषद प्रधान से मिले आप इस बाबत में? गई प्रधान जी से हमने मिले हैं, प्रधान जी कहते हैं कि सीएम साहब से बात करेंगे। मैं करता हूं बात, लेकिन ना तो सीएम साहब से मिले ना ही कोई बात हुई। तो राम भरोसे चल रही है नगर परिषद? राम भरोसे चल रही है। जो कोई जानकार है किसी यहाँ कमेटी में वो अपनी आईडी बना लेता है या कोई ले दे के बना लेता है। तो आगे क्या किया जाएगा आपकी ओर से? हम पहले डीसी साहब के जाके बात करेंगे, नहीं मानते वहाँ धरना देंगे। फिर उसके बाद में हम सारे शहरवासी इकट्ठे करके सीएम साहब से मिलेंगे कि आपको लोगों ने बगैर मांगे वोट दिए हैं और हम मांग कर रहे हैं, हमारी मांग जो नजायज है वो भी नहीं सुन रहे। प्रॉपर्टी डीलर साहब से हम सारे प्रॉपर्टी डीलर आपके साथ जी? नहीं नहीं, इसमें पब्लिक भी है, पब्लिक भी, शहरवासी भी है और प्रॉपर्टी डीलर। ऐसा है कि प्रॉपर्टी डीलर के बगैर कोई काम हो नहीं रहा प्रॉपर्टी का, तो उनका साथ होना जरूरी है क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी का सवाल है। कोई शिकायत दी है आपने पहले? हमने बराले साहब को इलेक्शन में कहा था
उन्होंने कहा था कि मैंने डीसी साहब से बात कर ली है, अभी वो आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसके बाद में हम बंद कर देंगे। लेकिन दुग्गल जी जो अभी एमपी बनी है उनसे भी बात हुई है, लेकिन कोई सरकार भी नहीं सुन रही। इधर अधिकारी क्यों सुनेंगे जब सरकार ही नहीं सुन रही। क्या नाम है जी आपका? घनश्याम आनंद।